नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन के रहस्य में, जहां हम बात करेंगे सपनों से जुड़े रहस्यों के बारे में। आज हम बात करेंगे कि सपने में शिवलिंग, श्री कृष्ण, श्री राम, बजरंग बली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और भगवान विष्णु को देखने का क्या है रहस्य। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। कोई स्वप्न आपको बहुत ही खास संकेत देने वाला होता है, वहीं कुछ सपनों का हमारे वास्तविक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। भले ही विज्ञान इसे माने या ना माने, जरूरी नहीं कि हमें सपने से सिर्फ शुभ संकेत ही प्राप्त हों, कभी हम पर आने वाली विपत्तियों का भी संकेत देता है। हर सपना उस व्यक्ति विशेष पर शुभ या अशुभ प्रभाव डालता है, लेकिन कौन सा सपना शुभ है और कौन सा नहीं, इसी की जानकारी हमें स्वप्न शास्त्र के माध्यम से ही प्राप्त होती है। आज सपनों की कड़ी में हम आपको स्वप्न में भगवान शिव और अन्य देवताओं के स्वप्न में आने पर मिलने वाले संकेतों के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। सपने में शिवलिंग का दिखना। जिस किसी व्यक्ति को सपने में शिवलिंग दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। सपने में शिवलिंग देखने का संकेत उसके पूर्व जन्म के बारे में बताता है कि उक्त व्यक्ति पूर्व जन्म में शिव जी का भक्त था और व्यक्ति ने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख पा लिए हैं। सपने में शिव जी का दिखना आपकी सभी समस्याओं के अंत का संकेत देता है। वही इस समय से आपकी उन्नति का समय शुरू होने वाला होता है। सपने में श्री कृष्ण को देखना। यदि आपके सपने में भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं तो यह आपके प्रेम संबंध के बारे में कुछ दर्शाता है। इस स्वप्न के माध्यम से आपको इशारा मिलता है कि आपके प्रेम संबंध सफलता की ओर अग्रसर हैं। सपने में श्री राम का दिखना। सपने में किसी भी व्यक्ति को यदि श्री राम दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति की उन्नति निश्चित है, वहीं उसकी तरक्की के नए रास्ते खुलने वाले होते हैं। श्री राम का स्वप्न में दिखना भविष्य में होने वाली आपकी सफलता की ओर भी इशारा करता है। यदि हो बजरंग बली के दर्शन। यदि रात को आपके सपने में हनुमान जी आए तो आपके शत्रुओं का नाश होना तय है। सपने में मां लक्ष्मी का दिखना। सपने में मां लक्ष्मी का दिखना बहुत शुभ होता है। सपने में मां लक्ष्मी का दिखना इस बात का संकेत देता है कि आपका रुका हुआ धन मिलने वाला है, व्यापार में बड़े मुनाफे का भी संकेत देता है। सपने में मां सरस्वती का दिखना। यदि विधा की देवी मां सरस्वती आपके सपने में दिखाई देती है, यह आपके सुगत भविष्य का संकेत है। आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, ज्ञान और विधा से आप खूब कामयाब होंगे। सपने में माँ दुर्गा का दिखना। जिस किसी व्यक्ति के सपने में माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं तो यह इस बात का संकेत होता है कि उक्त व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य का पुराना रोग जल्द ही दूर होने वाला है। भगवान विष्णु के दर्शन होना। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सफलता के प्रतीक माने जाते हैं, इसीलिए सपने में इनका आना यानी सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देना चाह रही है। तो दोस्तों, यह था सपने में शिवलिंग और इन सभी भगवानों को देखने का रहस्य। सपने से जुड़ी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जीवन का रहस्य।